है ये ब्लू आइज में, प्लीज देखिए डार्क ब्लू आइज में, और बाकी पपीज भी इसी कलर। आज हम लोग जा रहे हैं वैगन वुल्स कैनल में। तो लाइक लास्ट टाइम मैं वीडियो बनाया था समथिंग लाइक 30 डेज पहले, तो पपीज बहुत छोटे थे और आप लोगों से बहुत कोई का रिक्वेस्ट था जो आपको समझ नहीं आ रहा पपीज, थोड़ा जब बड़े होंगे तो अपडेट दे देना। तो आज हम लोग जा रहे हैं वैगन वुल्स बारिशदा के पास, तो सारे पपीज दिखाने का ट्राई करूँगा। और अभी बहुत क्यूट हो गया, फिलहाल शायद 55 to 60 days के हो रखे, तो चलिए पपीज दिखाते हैं। तो गाइस ये देखिए पपीज, जुबली कोट का आप लोगों का इतना डिमांड रहता है, जस्ट क्वालिटी आप लोग एक बार चेक करिए। तो भैया फिलहाल ये पपीज कितने दिन के हो रखे हैं? देखिए और ये होता है क्वालिटी, जैसे भैया ने लास्ट वीडियो में बताया था क्वालिटी बहुत शानदार आने वाला है। और इस टाइप का उली हस्की का ब्रीडिंग मुझे नहीं लगता पूरे बंगाल में और कोई करता होगा ऐसा। और ये सब ब्लू आइज में है ना? सब ब्लू आइज में, आप लोग देखिए जस्ट ब्लू आइज देखिए पूरा अच्छा। और भैया बहुत लाइक थोड़ा डिफरेंट कलर का है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, लाइक ऐसा कलर डिफरेंट ये कलर नहीं रहने वाला है। ये जो अभी इतना लाइट ब्राउन दिख रहा है ना, ये कलर टोन्ड हो जाता है बाद में जाके। अच्छा, तो ये थोड़ा ऊपर का जो ग्रेइश टोन है, सॉरी जो लाइट कॉपर टोन है, वो टोन थोड़े देर बाद मतलब थोड़े महीने बाद थोड़ा मतलब चेंज होने वाला है, इसका डार्क शेड में जाने वाला है। तो अगर किसी को भी चाहिए तो इंक्वायरी कर सकता है, आप लोग नंबर देख रहे हैं नीचे डिस्प्ले हो रहा है। बहुत प्यारे पपीज है और भैया बहुत सिलेक्टेड ब्रीडिंग करते हैं, तो ऐसा पपी आने में फिर थोड़ा टाइम लग सकता है, तो अभी फिलहाल अवेलेबल है और कोई चाहता है तो अभी लेके जा सकते हैं ना, अभी निकलने लायक हो चुका है। और भैया इसका वैक्सीन और डिवॉर्मिंग ये सब हो चुका है? इसका दो वैक्सीनेशन हो गया है, डिवॉर्मिंग भी हो रखा है 6। अच्छा, और वैक्सीनेशन कार्ड भी इसके साथ मिल जाएगा ना? और कोई चाहता है अगर मिस बहुत को होता है ना जो बोल देता है वैक्सीनेशन हो गया, उसका वीडियो प्रोवाइड कर सकते हैं वैक्सीनेशन का? दोनों वीडियो है, दोनों वीडियो वैक्सीनेशन का वीडियो है। अच्छा, दो वैक्सीनेशन, पपी डीपी और डीएचपीपीआईएलबी। वाओ, तो आप लोग देख सकते हैं गाइस, यही होता है एक रिस्पॉन्सिबल ब्रीडर जो आपको जस्ट ये नहीं बोल दे रहा जो हाँ मिस वैक्सीनेशन हो गया, या आपके घर पहुंचने के बाद आपको वैक्सीनेशन कार्ड मिलेगा, आपको वीडियो पहले प्रोवाइड कर देंगे, आप लोग देख लीजिए कंफर्म कर लीजिए यही पपी है। जैसे कि भैया ने बताया था तीन पपीज है, तो भैया इनमें से मेल कौन सा बता दीजिए सबसे पहले? लाइक ये मेल है, ये वाला मेल है ना, और मेल भी पूरा सेम मार्किंग जैसा फीमेल के तरह है ना, सेम मार्किंग, सेम पूरा लगता है आइडेंटिकल ट्विंस जैसा हो गया। और ये क्या, ये फीमेल है ना? हाँ जी, ये फीमेल है। और फिलहाल भैया इन लोग का क्या फीड कर रहे हैं, लाइक क्या खाना खा रहे हैं? होममेड फीड है ना, चिकन राइस। अच्छा, और कुछ वेजिटेबल्स है। अच्छा, और कुछ सीड्स है। सीड्स है, मीन्स जो भी अगर इधर से लेगा उसको आप गाइड कर देंगे फुल? हाँ, ना हाँ। कैसे रखना, क्या वैक्सीनेशन, वो पूरा गाइडेंस आपसे मिल जाएगा, बेसिक जो रहता है ना। और एड़ा उलीकोट, और भैया जैसे आपने बताया था, मैंने भी आके देखा था लास्ट टाइम, कुछ स्टैंडर्ड कोट के भी पपीज है, तो वो भी देखेंगे इसके बाद। अब देख फिलहाल उलीकोट में है तो देख सकते ये रहा। और भैया ऐसा कुछ है जो उली कोट को ज्यादा गर्मी लगता है, ज्यादा प्रेफरेंस चाहिए ऐसा कुछ? इनर कोट दोनों का ही होता है, तो बोथ रिक्वायर्ड एसी, ये हमने लगभग बताया सारे वीडियोस में बता रखा है। तो बोथ रिक्वायर्ड एसी, दोनों का ही इनर कोट होता है, आउटर कोट होता है, बस मेन डिफरेंस होता है इसका इनर कोट डेंस्ड होता है बस। तो एसी दोनों को ही चाहिए सर, विदाउट एसी कोई भी हस्की सर्वाइव नहीं कर पाएगा इंडिया में। देख सकते हैं बहुत प्यारे प्यारे पपीज है, जो लास्ट टाइम में जब दिखाए थे बहुत छोटे थे, अभी पूरा ये लोग अभी थोड़े 60 डेज के हो रहे, तो आपको समझ में आ रहा है किस टाइप का क्वालिटी आएगा। तो भैया अभी टोटल कितने पपीज है स्टैंडर्ड कोट के? स्टैंडर्ड कोट के 6 पपीज है, 6 अवेलेबल है ना? हाँ जी। लाइक मैं जब फर्स्ट टाइम आया था 30 डेज के थे, तब 7 था, मुझसे एक बुक हो चुका है ना, और लाइक उस समय तो शायद 3 मेल था 4 फीमेल था ना? हाँ, दो मेल बुक हो चुका है। अच्छा, दो मेल बुक हो चुका है ना, और ये देख सकते हैं आप लोग। और भैया ये जो ब्राउन कलर में लाइक बहुत डिमांड में रहता है, और आप सेम टू सेम मार्किंग में, और प्लस पॉइंट है ये ब्लू आइज में, आप लोग देखिए डार्क ब्लू आइज में, और बाकी पपीज भी इसी कलर में। तो यहाँ पे तो अभी फिलहाल 3 पपीज है ना भैया, तो इन लोग का भी डाइट वेट सब सेम है ना? बिल्कुल बिल्कुल, और वैक्सीनेशन ऑलमोस्ट सेम टाइम में हुआ होगा, इन लोग का भी वीडियोस मिल जाएगा। ये लोग एक दिन का छोटा है, वुली कोट से एक दिन का छोटा है ना, एक दिन का छोटा है, तो बेसिकली यही डिफरेंस हो जाता है ना, लाइक वो थोड़ा ह्यूज और क्यूट लगते हैं, लेकिन बाद में जाके जब ये भी बड़ा होता है तो बहुत एथलेटिक हो जाता है, और ये भी सुंदर हो जाता है, लाइक इन लोग का फर बहुत प्लस कोट में होता है,
तो ग्लो एक अलग ही ग्लो करता है ना। एग्जैक्टली exactly. और भाई एक बहुत सारा क्वेश्चन आता है जो व्यूअर्स को, ग्रूमिंग का क्या, लाइक स्टैंडर्ड कोट में थोड़ा कम ग्रूमिंग लगता है ना? नहीं, ब्रशिंग बहुत रिक्वायर्ड ब्रशिंग, लेकिन बहुत रिक्वायर्ड ब्रशिंग पर हाँ, मतलब हस्की को ऐसे आपको ग्रूमिंग सेंटर में ले जाके ग्रूम करने की ज़रूरत नहीं है, आप घर में ही कर सकते हो। बेसिकली दो तरीके का ब्रश आता है, एक इनर कोट साफ़ करने के लिए, एक आउटर कोट के लिए। अगर आप हफ्ते में 3 दिन ब्रश कर रहे हो तो इनफ है, बाकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। देख सकते हो गाइस इधर बहुत सारे शानदार शानदार वूली कोट है, और ये रहा वैगर मेल, यही फादर था जो पपीज था वूली कोट का, और ये रही मदर थाईली, और ये दोनों बहुत शानदार है। देखिए दोनों साथ में ही पी रहे हैं पानी, और इधर ये चेनी है और ये बेला है, इन लोग का भी फ्यूचर में लीटर आएगा, पर फिलहाल अभी इसका, ये जो हमारे वैगर है इसी का बच्चा हो रखा है। ये देखिए ये फादर है, ये वाइट वाला, और ये थाईली है, इसका भी वह बहुत सुपर एनर्जेटिक है। तो ये थाईली है और इसका पपीज हो रखा, आपने जो देखा 3 पपी है।